हेलो गाइस, वेलकम टू द ESCC इंग्लिश क्लासेस चैनल। आई एम नेहा मैम एंड टुडे वी हैव टू डिस्कस द ये ए चाइल्ड इज बॉर्न रिटेन बाय जर्मन ग्रेर। दिस इज द लेसन नंबर 7। ओके गाइस, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ये जो आपका चैप्टर नंबर 7 का है, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये जर्मन ग्रेर लिखी है। जर्मन ग्रेयर जो है बॉर्न इन 1939 एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। इनका जन्म जो है 1939 में हुआ था और इनका जन्म ये जो है एजुकेशन जो इनको मिला था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर और यह जो है एक मतलब महिलाओं से संबंधित जो लेख थे उसको वो लिखा करती थी, इसी के लिए वो फेमस थी। मतलब महिलाओं से संबंधित जो उनका जो है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए या फिर उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो गुडनेस हैं, उन सबको फोकस करने के लिए जो है जर्मन ग्रेयर अक्सर राइट किया करती थी। इन हर वेल नोन वर्क्स द फीमेल इनर्ज, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये सब इनका जो है वर्क्स है जो आपका बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ है। द फीमेल इनर्ज 1970 में, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी ये हो गया 1984 में लिखा हुआ इनका, द चेंज ये 1991 में लिखा गया है। सी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन, ये जो है जो महिलाओं से संबंधित महिलाओं के जो जीवन से संबंधित जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो आवश्यकताएं हैं, जो उम्मीद है, उस पर इन्होंने फोकस किया है। सी बिलीव्स दैट सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस एंड डिजाइंड टू सूट मेल इंटरेस्ट, उनका मानना है जो जर्मन ग्रीड हैं उनका मानना है कि जो हमारे यहाँ जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो भी सोशियो कल्चर, जो समाज और संस्कृति जो बनाई गई है, सोशियो हो गया एंड कल्चर, समाज और संस्कृति की जो परंपराएं बनाई गई है, प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है परंपरा, तो कहते क्या है कि जो परंपराएं बनाई गई हैं वो जो है मेल इंटरेस्ट कितने को सूट करता है। मतलब कि मेल जो है, जो पुरुष जो है अपने अपने जो है मतलब इंटरेस्ट के आधार पर अपनी इच्छा अनुसार जो है समाज के नियम कायदे कानून को बनाए हैं। एट द सेम टाइम द फर्दर सब्जगेट वुमेन, और उस वक्त जो है आगे में जो है वो इस तरह से जो है इसका वो विरोध करती हैं। द प्रेजेंट पीस ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, यह जो भी प्रस्तुत एग्जैक्ट है जो उदाहरण है या जो है सेक्स एंड डेस्टिनी बुक से लिया गया है। सी एक्सप्लोर्स द कल्चरल पेकुलरिटीज ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यहाँ पर उन्होंने पूर्व साइड के जो पूर्वी देश हैं हमारे, उधर जो है मतलब बच्चों का जो है चाइल्ड बर्थ का जो है किस तरह का प्रोसेस होता है, उसकी संस्कृति क्या है, उसका परंपरा क्या है, उसके बारे में, और साथ ही साथ जो है पेरेंट और चाइल्ड का क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर फोकस किया है। तो सबसे पहला जो है हम लोग यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, वो तो हम लोग राइटर के बारे में जान लिए, अब इधर हम लोग पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर ट्रेडिशन के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे होता है ना कहीं कहीं मतलब बहू लोग या बेटी लोग जो होता है, मतलब हमारे ये स्पेशली जो है ना ये चूंकि परंपरा जो है ये स्पेशली बांग्लादेश के लिए है, लेकिन बांग्लादेश के बहुत सारे रूल रेगुलेशन या ट्रेडिशंस हैं जो हमारे गाँव में आज भी मौजूद हैं, भारतीय गाँव में आज भी ये चीज़ देखने को मिलता है। जैसे गोद भराई की रस्म हो गई या फिर और भी बहुत सारी परंपराएं जो कि हमारे यहाँ मिलता है, फिर कभी किसी किसी मूवी में भी दिखाया जाता है तो आप लोग देखे होंगे। तो जो कुछ कुछ रस्म है जो महिलाएं जब जब चाइल्ड मतलब बच्चों के जन्म से पहले का ये जो है कुछ ओकेजन होता है, कुछ फंक्शंस होता है जिसको लोग घर वाले ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी द फर्स्ट वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वैरिड, कहते क्या है कि जो चाइल्ड बर्थ का जो वेज है, जो तरीका है, जो मतलब जन्म से पूर्व की जो प्रक्रियाएं हैं उसके मतलब उसका जो तरीका है, उसका जो परंपरा है, अलग अलग समाज में अलग अलग तरह के होते हैं। देयर यूजफुलनेस स्टेम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर एक्सपेक्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली सो दैट द मदर डज नॉट हैव अ साइसिक बर्डन टू रिवेंटिंग द प्रोसीड्यूर्स,
देखिए अब यहाँ पे क्या कहता है कि इस तरह का ट्रेडिशंस जो है, इस तरह के कस्टम्स आखिर क्यों किए जाते हैं? तो ये इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जब एक महिला जो होती हैं, वो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम उन्हें तरह तरह के प्रॉब्लम्स को झेलना होता है, तो उसी चीज़ से दूर रखने के लिए जो है इस तरह का उन्हें साइकिक बर्डन ना हो, मानसिक तनाव ना हो, किसी भी तरह का उन्हें मानसिक परेशानी ना हो, माँ को मतलब माँ को खुश रखने के लिए कई तरह की परंपराओं को निभाया जाता है, कई तरह की परंपराओं को लोग क्या करते हैं, प्रतिपादन करते हैं ताकि वे जो है खुश रह सके, है ना। तो आप देखे होंगे कि जिस तरह का भी जो है ट्रेडिशन वगैरह जो है, मतलब सीधा सीधा समझ जाइए इस वक्त क्योंकि जो होता है, अब चूंकि सभी लोग जानते हैं, ये बड़ा सुनने में थोड़ा ऑड लगता है लेकिन ये जो है जीवन की सच्चाई है। सभी को जो है, सभी जितने सारे भी हम बच्चे हैं चाहे जो भी है, मनुष्य जो धरती पे आता है तो उसे जो है अपने माँ से ही उसके माँ का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो उस वक्त मतलब मनुष्य की जो मतलब प्रारंभिक अवस्था है तो उसमें माँ की क्या स्थिति होती है, तो इस चीज का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे कहते हैं कि इवन ड्यू द पोटेंशियल कैटास्ट्रोफ आर अलाइव टू इन द मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी एंड इंडेक्स ऑफ एंजाइटी हाई, द रिचुअल अप्रोच टू प्रेगनेंसी विच हेम्स द प्रेगनेंट मैन अबाउट विथ टैबूज एंड प्रोहिबिशंस हेल्प मेक द एंजाइटी मैनेजेबल। कहते क्या है कि इवन पोटेंशियल कैटास्ट्रोफ जो होता है, जो अब मतलब बड़ी बड़ी जो है ताकतवर जो है, बड़ी बड़ी आपदाएं होती हैं, मतलब आपदा कहने का मतलब कि प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जैसे दिमाग में कुछ कुछ जो है ना, माँ के दिमाग में बहुत 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 तरह की जो है भावनाएं आती रहती हैं, उन्हें डर लगते रहता है कि पता नहीं क्या होगा, मरना है या जीना है। सभी लोग जो है अपनी मम्मी से इस तरह का डिस्कस करेंगे कि उन्हें किस तरह का जो है आभास होता है, सुख बड़ा ही अजीब कंडीशन होता है, ऐसा लगता है मतलब निगेटिव माइंड में रहता है। तो उस वो जो ताकतवर जो होता है, जो देखिए पोटेंशियल यहाँ पे एक वर्ड आया है, तो पोटेंशियल में आप लोगों को बताया गया है मतलब सक्षम ताकतवर। ठीक है, तो ताकतवर जो बहुत ही मतलब ताकतवर जो आपदाएं होती हैं वो आसपास अलाइव होती हैं और मेमोरी में भी होती हैं, बहुत सारी आपदाएं जो होती है याद होती हैं। तो जी और भी एक जो होता समझ जाइए कि जो है उच्च चिंता का एक लंबा चौड़ा इंडेक्स तैयार हो जाता है, एक सूची तैयार हो जाता है। इसमें माताएं जो है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, प्रेग्नेंट मदर होती हैं, वो काफी जो है परेशान होती हैं, काफी चिंतित होती हैं और उनके पास एक जो होता है लंबा चौड़ा लिस्ट हो जाता है, है ना, उनकी चिंता का काफी लंबा चौड़ा लिस्ट हो जाता है, क्या होगा, कैसे होगा, जिंदा रहेंगे, मरेंगे, बहुत तरह की बातें उनके माइंड में चलते रहती है क्योंकि जो है एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, चाइल्ड बर्थ जो होता है एक माँ के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है, वो अपनी जान पर खेल करके जो है चाइल्ड बर्थ जो है एक होता है। ठीक है, तो इसमें जो है माँ के पास जो होता है इंडेक्स ऑफ एंजाइटी हाई, मतलब अनेक बड़ी बड़ी चिंताओं का एक इंडेक्स, देखिए इंडेक्स एक बड़ा है मतलब होता है सूची, तो वही कहते क्या है कि जो है एंजाइटी का जो होता है एक सूची तैयार हो जाता है। ए रिचुअल अप्रोचेस ऑफ टू प्रेगनेंसी ऑफ हेम्स द प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट विद टैबूज विद प्रोहिबिशंस हेल्प मेक द एंजाइटी मैनेजेबल। आए क्या कहते हैं, यही सब रीति रिवाज जो इनकी जो एंजाइटी हाई हो जाती है उसी को जो है कम करने में ये रीति रिवाज जो होता है प्रेगनेंसी वुमेन को हेल्प करते हैं, जो उनके आसपास के जो मतलब जो जाति समाज होते हैं और जो वहाँ के जो प्रतिबंध होते हैं वो सब एंजाइटी को मैनेजेबल बनाते हैं, जो उनके अंदर की चिंताएं होती हैं उनको मैनेजेबल, उनको मतलब सहने योग्य बनाती है। मैनेजेबल का मतलब हो जाएगा सहनीय, ठीक है, मतलब माता को सहनीय बनाती है, सहने की क्षमता प्रदान करती है, जो तकलीफ होता है माता को उसे जो है सहने में क्या करती है, ये सभी जो रीति रिवाज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो सभी इन्हें सहने की क्षमता मतलब तकलीफ को बर्दाश्त करने की क्षमता प्रदान करती है। ए वुमेन हु ऑब्जर्व ऑल द प्रोहिबिशंस एंड कैरीज आउट द राइट्स विथ द विल बी एक्टिवली। ये तो क्या है कि जो वुमेन, ए वुमेन हु ऑब्जर्व ऑल द प्रोहिबिशंस एंड कैरीज आउट द राइट्स विल बी एक्टिवली, और जो वे महिलाएं जो सभी तरह के प्रोहिबिशंस को, सभी तरह के मनाहियों को, प्रतिबंधों का अनुसरण करती है, बहुत सारे प्रतिबंधों का पालन करती है, तो उसे जो है उसे इसे मतलब इसके लिए उसे एक्टिव होने की जरूरत होती है।
एक्टिवली इन्वॉल्व इन होल्डिंग द अननोन एट बे। और जो है ये जो अज्ञात जो उनका जो एक मतलब तकलीफ होता है जिसके बारे में वो बिल्कुल अनभिज्ञ होती हैं, बिल्कुल अनजान होती हैं, उन सब जो है अनजान तकलीफों का सामना करने के लिए उन्हें सक्षम और सक्रिय बनाती है। ठीक है, कौन? ये रिचुअल्स जो है, रिचुअल्स मीन्स क्या हो गया, रीति रिवाज। शी विल हैव अदर रिइंफोर्समेंट फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रेगनेंसी इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स हु शुड सपोर्ट हर प्राइमरीली हर हस्बैंड देन हर किन फॉक्स एंड देन द अदर मेंबर्स ऑफ हर कम्युनिटी। कहते क्या है कि इसमें सभी लोग उसकी मदद भी करते हैं, जो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो महिलाओं माताओं की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके एंजाइटी को कम करने में जो सबसे अधिक जो सपोर्ट करते हैं वो होते हैं प्रिमिलरी प्राथमिक आता है कि सपोर्ट हर, शुड सपोर्ट हर, अदर हु शुड सपोर्ट हर, दूसरे को उनकी मदद करनी चाहिए। शुड आया है, देखिए वर्ड शुड मतलब चाहिए, है ना, तो उन लोगों को मदद करनी चाहिए। सबसे पहले कौन? हर हस्बैंड, उस सबसे पहले जो है उसके हस्बैंड को, उसके बाद किन फॉक्स। किन फॉक्स का मतलब होता है सगे संबंधी, जो ही जो मतलब रिश्तेदार लोग होते हैं वो लोग, और बाद में जो होते हैं परिवार के मेंबर, और जो कम्युनिटी होते हैं, जो समुदाय होती है वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, और उन सबको जो है एक मदद करने की जरूरत होती है। आप हम सभी देखते हैं कि मतलब आसपास जो कभी आप जो है ऐसा देखिएगा इस तरह का कंडीशन, तो एक जो है अजब सा जो है हेल्प करने की जो है भावना आ जाती है, ऑटोमेटिक बिना किसी मतलब डिमांड के आप किसी को हेल्प करने को रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब वो काफ़ी कंडीशन का खराब है, काफ़ी वो खराब स्थिति में है और उनकी मदद करना हमारी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वही कहते हैं कि सभी को मदर के जो है एंजाइटी को कम करने में मदद करनी चाहिए, सबसे पहले उसके हस्बैंड को, उसके बाद उसके स्किन फॉल्स को, सगे संबंधियों को, और फिर जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको भी, है ना। सम ऑफ दिस बिहेवियर्स विल बी सेंसिबल एंड यूजफुल, अदर मैजिकल, बट दे विल ऑल इंक्रीज हर सेंस of security and her conviction that she is conducting the pregnancy, not that the conducting her. अब यहाँ पर ये सभी जो चीज हैं, ये सभी जो बिहेवियर्स हैं, इनके जो वर्ताव हैं आसपास के, जो उनके मतलब जो घर परिवार का जो वर्ताव हो गया, चाहे आसपास के जो लोग हैं उनका जो वर्ताव हो गया, ये सब जो है एक मैजिकल, अदर मैजिकल होता है, एक मतलब मैजिक की तरह होता है, जादू की तरह होता है, जो उसके अंदर एक सुरक्षा का भाव पैदा करता है। देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी आया है, तो क्या करता है कि मतलब प्रेग्नेंट मदर में जो क्या करता है, सुरक्षा का भाव उत्पन्न करता है, और साथ ही साथ उन्हें कन्विक्शन करता है, उन्हें जो है उनके मतलब अंदर का जो मतलब गलत भाव है उसको भी मैनेज करता है, उसको कम करता है। ठीक है, द रेमनेंट ऑफ दिस काइंड्स ऑफ प्रोफिलैक्सिस कैन बी फाउंड इन द प्रेजेंटेंस ऑफ ओल्ड वाइव्स टेल्स अबाउट प्रेगनेंसी इवन इन आवर ओन सुपरेशनल एंड कन्फ्यूज लाइफ स्टाइल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परसिस्टेंस में देखा जाता है, मतलब कुछ परसेंटेज में देखा जाता है ऐसा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, मतलब अभी पुराने जमाने के लोग होते हैं, जो ओल्ड जो होते हैं, वो सब जो है इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, और उनका लाइफ स्टाइल बड़ा कंफ्यूज करने वाला होता है, उनका जो जीवन जो होता है, जीवन शैली होता है, बड़ा ही कंफ्यूज होता है। वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माय एक्वेंटेंस हु अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी एज इफ इट वेयर हर टर्म्स असाइनमेंट मेटिकुलसली फुट नोटिंग एवरी डेवलपमेंट। और कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ लोग ग्रेजुएट भी होते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे लोग ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनके एक्वेंटेंस में, उनके मतलब मत में वो लोग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम भी जो है गलत गलत तरह का भाव अपने माइंड में लाते हैं और गलत गलत बात सोचते हैं, और इस तरह से मेटिकुलसली होता है, फुट नोटिंग होता है, मेटिकुलसली मतलब हास्यास्पद होता है, जैसे ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी गलत गलत ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। एवरी क्लॉन्ग टू हर प्रीनेटल एक्सरसाइजेस एज फॉर रिचुअल ऑब्जर्वेंसेज एज वेल एज हेल्पफुल प्रिपरेशन
फॉर द फिजिकल एक्सप्लॉयट ऑफ चाइल्ड वर्थ। कभी कभी क्या होता है कि जो मतलब पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो अपने पुराने ट्रेडिशंस को, बहुत बहुत कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो सही हैं, है ना, लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लोग जो है करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कन्फ्यूज लाइफ स्टाइल है उनका, ठीक है। और उनका जो होता है, जो लाइफ स्टाइल और जो ट्रेडिशन होता है, वो हास्यास्पद होता है, और साथ ही साथ जो होता है वो पुराने, देखिए क्लंग आया है, क्लंग मतलब होता है मतलब उसको अपनाए रहना, उसी के आधार पर चलते रहना, उसमें परिवर्तन कुछ भी नहीं करना। तो कुछ जो होता है प्रीनेटल एक्सरसाइज है, जो प्रीनेटल मतलब होता है जन्म से पूर्व जो कुछ जो रीतियां हैं, जो कुछ परंपराएं हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना होता, और इसके कारण उनका जो होता है फिजिकल एक्सप्लॉयमेंट होता है। फिजिकल एक्सप्लॉयट देखिए मतलब शारीरिक जो होता है शोषण भी हो जाता है चाइल्ड बर्थ में जो मदर होते हैं उनका। परफॉर्मिंग देम इन डीप साइलेंस एंड टोटल रिकॉलेक्शन एट द सेम टाइम एवरी डे कम हेल और हाई वाटर। और कभी कभी क्या होता है कि उन्हें जो है कुछ कुछ ऐसे ट्रेडिशन है जिसमें जो है महिलाओं को जो है काफी हाई वाटर में जो होता है उनको काम करना होता है, मतलब उनको अपना कुछ समय बिताना होता है, जो कि गलत होता है, लेकिन फिर भी कुछ रिचुअल्स में ऐसा होता है। एज वेल सी ऑब्जर्व्ड द ओल्ड डाई हार्ड सुपरस्टिट्यूशन दैट एक्वायरिंग इक्विपमेंट एंड अप्रियल फॉर बेबी बिफोर द बर्थ वॉज बैड लक। और जो होता है लेकिन ये सब जो बेबी के बिफोर, बर्थ के बिफोर जो है इस तरह का जो सुपरस्टिशन होता है, इस तरह का जो मतलब गलत गलत जो ट्रेडिशन होता है, वो सब जो होता है बैड लक उसको माना जाता है ना। एज सो वन ऑफ माई गोल्ड गॉड चिल्ड्रेन शॉट इन टू द वर्ल्ड विदाउट क्रीब ऑफ नैपकिंस। और कभी कभी तो क्या होता है कि जो कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नैपकिंस में ही जो होता है अपना पूरा लाइफ स्पेंड करना होता है। कंसिडरेबल एफर्ट हैड गॉन इन टू सींग दैट द मदर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय हर बेबी। और लेकिन इसी सब के बीच में जो होता है माँ को अपने बेबी के साथ एंजॉय करने का, खुश रहने का हर एक अपॉर्चुनिटी होता है, हर एक मौका होता है। बट आफ्टर हर ट्रेनिंग फॉर अन मेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ फॉर मंथ्स इन द इवेंट ऑफ हॉस्पिटल रिफ्यूज टू बिलीव सी इज इन सेकेंड स्टेज लेबर अंटिल हर डॉटर्स हेड हैड अपियर्ड द हॉस्पिटल स्टाफ वॉज सो अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग दैट मदर एंड डॉटर डिस्चार्ज देमसेल्फ आफ्टर 2 डेज। अब देखिए कभी कभी, अभी ट्रेडिशन की बात की जा रही है, तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब बैड लक ट्रेडिशन, मतलब कुछ कुछ परंपराएं होती हैं जो नहीं अच्छी नहीं है, फिर भी उसको लोग मानते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं क्या कहते हैं कि जैसे कि जब बेबी का बर्थ हुआ तब उसको जो है 10 दिन तक कोई मेडिसिन नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ का परंपरा है कि इस बच्चे को कुछ दिन तक मेडिसिन नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का ट्रेडिशन होता है कि इस बच्चे को नया कपड़ा नहीं पहनाना है। कुछ बच्चों का जो होता है ट्रेडिशन होता है, कुछ घर में ट्रेडिशन होता है कि जो है मतलब कई तरह के ट्रेडिशन होते हैं, और उसमें और लेकिन जो है डॉक्टर्स भी जो है कॉपरेट नहीं करते हैं। अब कभी कभी जो होता है लोग इसी तरह से किस तरह का घटना भी हो जाता है, घटना दुर्घटना भी हो जाता है बेबी न्यू बेबी के साथ। तो ये सब जो है बैड कस्टम है, पुरानी परंपराएं हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, जिसके कारण जो है बेबी को भी और मदर को भी कई तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हाँ तो हम लोग तो क्या होता है नेक्स्ट है दिस बर्थ वॉज वर्चुअली अनअटेंडेंट इट इज नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड। कहते क्या है कि कभी किसी किसी समाज में जो है इस तरह का जो बर्थ है उसे जो है लोग अनअटेंडेंट मानते हैं, मतलब वर्चुअली उसको मानते हैं कि ऐसा ही किया ही जाता है, हमारे यहाँ परंपरा ही है इस तरह का हमें करना ही है, और वे इसको नॉन टेक्नोक्रेटिक से जो है बिना किसी तकनीकी के, बिना किसी यूज के, ऐसे ही बस प्राकृतिक तरीके से जो है लोग इसको समझते हैं। और उसको अब प्राकृतिक तरीके से अगर मान लीजिए कि इनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम, जैसे कि पहले के ज़माने में आप लोग सुनते होंगे कि जो है पहले के ज़माने में न्यू बेबी जो बर्थ होता था तो उसका काफ़ी अधिक मात्रा में उसका डेथ रेट जो है काफ़ी अधिक था, ठीक है ना। रीजन क्या था कि बहुत सारे लोग कस्टम्स ट्रेडिशनल होते थे, परंपरावादी होते थे, तो उनका मानना था कि जो है हम अब जो है न्यू बेबी है तो उसको मेडिसिन नहीं देंगे, उसको वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे, तो जिसकी वजह से जो है समय से पहले ही बेबी का डेथ हो जाता था, है ना। तो इस तरह के, और जो है अलग अलग सोसाइटी में इस तरह के लोग मानते भी थे
अब जो जबरदस्ती मान रहे हैं उनको क्या किया जा सकता है। क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ बर्थ्स। अब देखिए अब यहाँ पे फिर वर्ड आ गया, कहते हैं कि सामान्यतः साफ साफ मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अगर हम लोग ट्रेडिशनल बर्थ कराते होता था पहले के जमाने में, मतलब वो उसी वक्त की बात कर रहे हैं, 1984 की ही बात है, तो हम लोग के लिए अभी जो वो पुराना जमाना हो गया, लेकिन उस वक्त ये जो है बर्निंग इशू था, उसी वक्त की ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो जो ट्रेडिशनल बर्थ होता था उस वक्त, तो उसमें जो है मदर मोर्टलिटी रेट जो है वो काफी अधिक था। मोर्टलिटी समझ रहे हैं, मर्टल मतलब होता है मरणशील और मोर्टलिटी मतलब होता है मृत्यु दर। मृत्यु मतलब मदर की जो मृत्यु दर होती थी पहले के जमाने में क्या होता था, अधिकांश तो ऐसा देखने को मिलता था कि मदर का जो है चाइल्ड बर्थ के टाइम जो है मदर का डेथ हो जाता था, तो वो ट्रेडिशनल होने की वजह से। लेकिन अब के समय में ऐसा कोई जो है नहीं है, अभी सब लोग एक्टिव हो गए हैं, किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो लोग जो है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। टू अवॉइड डेथ वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर द वास्ट मेजोरिटी हु लीव। कहते क्या है कि जो इस तरह का जो सिग्निफिकेंस है, इस तरह का जो पहचान है, वो धीरे धीरे वो क्या करता है डेथ को, मतलब वो सिग्निफिक इस तरह का जो सिग्निफिकेंस है वो अनुभवों को डिस्ट्रॉय कर देता है, अनुभवों को बर्बाद कर देता है, और माताओं का जो है काफी अधिक मात्रा में डेथ हो जाता है। ठीक है, none of would deny that each infant and particularly every maternal death is tragedy to be prevented if at all possible, nor that modern obstetric care which have developed in the hospital setting। अब कहते क्या है कि अब इस तरह का जो बात है, अब इस बात से हमें इनकार नहीं करना होगा, डिनाई मतलब है इनकार करना, कि इस तरह हमें इनकार नहीं करना होगा कि इस तरह का जो ओल्ड ट्रेडिशन से जो डेथ वो जो मतलब चाइल्ड बर्थ होता था, तो उसमें जो है बच्चों का काफी अधिक मात्रा में डेथ होता था, मैटरनल डेथ भी होता था और जो है इन्फेंट डेथ भी होता था। इन्फेंट मतलब होता है शिशु, है ना, तो शिशु का भी डेथ होता था और जो है मदर का भी डेथ होता था, और जो कि एक ट्रेजेडी हो गई थी, एक जो है दुखात्मक घटना हो गई थी, और सभी लोग इस तरह का मतलब अब कोई उपाय नहीं था, पुरानी परंपरा थी तो सब लोग इसी में व्यस्त थे, और ना तो उन्हें कोई मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक केयर दिया जाता था, मतलब किसी भी तरह का नवजात से ऑब्स्टेट्रिक मतलब बताया भी नवजात शिशु की दवा, तो कोई भी जो है मॉडर्न शिशु को जो है किसी भी तरह का मॉडर्न केयर नहीं दिया जाता था, उन्हें किसी भी तरह का दवा नहीं दिया जाता था। विच हैज डेवलप्ड इन द हॉस्पिटल सेटिंग हैज बीन एट लास्ट पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रामेटिक डिक्रीज इन द बोथ मैटरनल एंड प्रीनेटल मोर्टलिटी ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी। और जो है कहते हैं कि आधी शताब्दी तक, जो पिछली आधी शताब्दी है मतलब 1950 के आसपास में, यह जो है मतलब मदर डेथ मैटरनल डेथ और जो है इन्फेंट डेथ, ये जो है लगभग कंटिन्यू रहा, ठीक है ना, उसमें कोई भी कमी डिक्रीज नहीं हुआ, ठीक है ना, दोनों में जो है लगातार मैटरनल डेथ और इन्फेंट डेथ होते रहा। बट इट इज नॉट नेसेसरली प्रिजर्व टू क्वेश्चन वट एवर आवर प्रेजेंट प्रायोरिटी शुड बी टू रीच मिनिमम फिगर्स फॉर द पेरिनेटल मोर्टलिटी एंड एट एनी प्राइस वेन ही इंक्लूड्स गिविंग अप थिंग्स विच फ्री ह्यूमन बींग्स हैव ऑफन फेल्ड टू बी मोर इन्फेंट देन देयर ओन सर्वाइवल। और कहते क्या है कि लेकिन जो है फिर से जो उनका जो पेरिनेटल मोर्टलिटी रेट था उसमें जो है फिर उसके बाद क्या हुआ, कमी आई, और फिर जो ह्यूमन बीइंग्स जो है धीरे धीरे एक्टिव भी हो गए, और उनके लिए जो है सबसे ज्यादा जो है इन्फेंट और जो है मदर दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा एक्टिवनेस आया, सच एज फ्रीडम टू लिव देयर ओन लाइफ देयर ओन वे एंड टू मेक इंडिविजुअल च्वाइस इन लाइन विद देयर ओन सेंस एंड वैल्यूज। और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हुआ कि वो अपने वैल्यूज को समझने लगे, जो मतलब मदर भी थे वो भी अपने वैल्यू को समझने लगे, और इन्फेंट जो थे वो भी उनके भी वैल्यू को समझने लगे। सबसे बड़ी बात है कि फैमिली के वैल्यू को समझने लगे लोग। पहले तो था कि मान के चलिए कि किसी का अगर डेथ हो गया तो फिर वो जो है न्यू इन्फेंट है तो उसका देखभाल कौन करेगा,
माँ जब डेथ कर जाएगी तो उसके बच्चे का देखभाल कौन करेगा, तो इस बात को लोग नहीं समझ पाते थे और ट्रेडिशनल हुआ करते थे, ट्रेडिशन को ही फॉलो करते थे। लेकिन बाद में जब उनको ये सब चीजें समझ में आने लगी, उनको जो है अपने फैमिली का और अपने जो है बच्चे का जो है महत्व समझ में आने लगा, तो फिर से वो क्या करने लगे, अपना मतलब नए नए ट्रेडिशन को, नए नए कस्टम को, टेक्नोलॉजी को, सब कुछ को वो लोग धीरे धीरे अपनाने लगे। अब जो है किटजिंगर सैला थी, एक लेडीज थी, है ना, एंड जॉन ए डेविस, द प्लेस ऑफ बर्थ लंदन 1978। इनका जो है प्लेस, जो है प्लेस बर्थ कहाँ था, लंदन में, और जन्म कब हुआ था, 1978 में। इन मेनी सोसाइटीज वीमेन स्टिल गो फॉर फ्रॉम देयर मदर्स हाउसेस एट मैरिज टू लिव विथ ए मदर इन लॉ एंड द वाइफ्स ऑफ देयर हस्बैंड्स ब्रदर। कहते क्या, अब जो है अलग बताए ही है स्टार्टिंग में ही जर्मन ग्रेयर की, जो है अलग अलग समाज की अलग अलग परंपराएं हैं। तो कुछ समाज की परंपराएं तो पीछे बताई कि क्या है कि जो है बच्चों को जो है प्रीनेटल जो है मेडिसिन नहीं दी जाती थी, या फिर जो है मदर्स को जो है ट्रेडिशनल रखा जाता था। कुछ कुछ परंपराएं उनके एंजाइटी को कम भी करती थी, लेकिन कुछ कुछ परंपराएं उनके लिए जो है डेंजरस भी थी, है ना। तो अब जो है वो दूसरी सोसाइटी की बात की जा रही थी, और फिर बाद में जब लोग एक्टिव हो गए, जब अपने अपने फैमिली के वैल्यू को समझने लगे, तो फिर वो लोग जो है मेडिसिन को यूज करने लगे, है ना। तो उसी तरह से अब कहते क्या है कि अब जो है कुछ कुछ सोसाइटी में क्या होता है कि इन मेनी सोसाइटीज, कुछ कुछ समाज में वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विथ ए मदर इन लॉ एंड देयर द वाइफ्स ऑफ देयर हस्बैंड्स ब्रदर। यहाँ पे कहते हैं कुछ कुछ समाज की जो महिलाएं हैं अपने माँ के घर से जो है मैरिज के बाद अपने मदर इन लॉ के यहाँ जाती हैं। मदर इन लॉ मतलब क्या होता है, वही हस्बैंड्स मदर, है ना, और जो है अपने और जो है उनके भैया के मतलब हस्बैंड्स ब्रदर वाइफ, वाइफ्स ऑफ देयर हस्बैंड्स ब्रदर, मतलब यही समझ जाइए सासू माँ और जेठानी के साथ यह लड़कियां रहने जाती हैं। इट इज ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट सच वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव बॉर्न ए चाइल्ड। अब लेकिन देखिए, उन लोगों को अब इस मनोवैज्ञानिक तरीके से ये बताया गया है कि वे जो उनकी जेठानी होती थी लड़कियों की, और जो उनकी मदर इन लॉ होती थी, सासू माँ होती थी, उनको तब तक अपने अपने घर में जो है एक फैमिली मेंबर का दर्जा नहीं देती थी जब तक उनको एक चाइल्ड बर्थ ना हो जाए। देखिए, हमारे गांव की परंपरा है ऐसा, जो है हमारे ऐसे ही है कहीं की भी, है ना, पूरे कंट्री पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी परंपरा लिया गया है, लेकिन ये भारतीय परंपरा में कहीं ना कहीं ये शामिल है। जो पुराने जमाने की जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी, जो अनपढ़ महिलाएं होती थी, उनके अंदर इस तरह की जो है बहुत सारे ट्रेडिशंस हुआ करते थे कि जब लड़कियां जो है अपने सासू माँ के और हस्बैंड की मतलब जेठानी के साथ रहने आती थी, तो जब तक उनका कोई बेबी नहीं आता तब तक जो है उनको फैमिली में मेंबर नहीं समझा जाता था, लोग उनको काफी टॉर्चर करते रहते थे। इफ वी कंसिडर दैट इन सच ऑफ सोसाइटीज द मैरिज वाज क्विट लाइकली टू हैव बीन अरेंज्ड, इन अंडरस्टैंडेबल दैट ब्राइड टू लॉन्ग फॉर द चाइल्ड हु विल स्टैंड इन द सेम इंटीमेट रिलेशनशिप टू हर एज शी विथ हर ओन मदर। और जो है तब तक जो है उनको जो है फैमिली में एक की जगह फैमिली में जो है मेंबर की तरह उनको समझा नहीं जाता था। और साथ ही साथ यदि कभी कभी जो है इस तरह की सोसाइटी में अगर समाज में जो है अगर मैरिज हो भी जाता था तो वो बिल्कुल जो है विचित्र होता था, है ना, और वे ये समझने लायक नहीं होता था। और शादी के बाद जो है लड़कियां जो है अपने माँ के साथ ही जो है अपने घर पर रहती थी। द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सच मोर्स इज दैट दे
आर बैकवर्ड। और यह जो है कंडीशन किस स्थिति में था, किस लोगों की थी जो बैकवर्ड हुआ करते थे, जो पिछड़े लोग होते थे उन लोगों की खास करके स्थिति होती थी। क्रूएल एंड रॉन्ग, बैकवर्ड भी होते थे, काफी क्रूर होते थे और रॉन्ग होते थे, है ना, क्योंकि इनकी परंपराएं बहुत ही गलत है। मान के चले कि किसी के घर में किसी का अगर फैमिली में अगर किसी का बेबी नहीं है तो क्या वो घर का फैमिली मेंबर नहीं है? लेकिन इस तरह का लोग मतलब काफी अत्याचार करते थे। गांव में अभी भी देखिएगा आप लोग कि अगर किसी का बेबी नहीं है तो उसको लोग काफी अप्रिसिएट करते हैं, उसको काफी जो है नीच दृष्टि से देखते हैं, है ना। तो इट इज अस्यूम्ड दैट द सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन द स्पॉसेस आर परफंक्टरी एंड एक्सप्लॉइटिवली एक्सप्लॉइटिव एंड दैट ऑल मदर्स इन लॉ आर अनजस्ट एंड विंडिक्टिव। और इस तरह से क्या होता था कि जो है मदर इन लॉ जो होती थी वो काफी वो मतलब कोई भी कार्य जो करती थी वो सिर्फ और सिर्फ परफंक्टरी आया है सिर्फ दिखावे के लिए करती थी, है ना, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये बहू है, बस उतना ही, इससे ज्यादा उनको कोई घर में जो है ज्यादा कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। और उनका जो है व्यवहार बड़ा ही अनजस्ट होता था, मतलब एक मतलब बिल्कुल ही अलग मतलब दुर्व्यवहार करते थे। और उनका जो है जो व्यवहार होता था वो काफी विंडिक्टिव होता था, काफी आक्रामक होता था। वो मतलब अपने बहू को जो है काफी टॉर्चर किया करती थी, मेंटली टॉर्चर किया करती थी, कभी कभी फिजिकली टॉर्चर भी किया करती थी। पुराने जमाने में सुने होंगे कि सासू माँ जो है ना अपनी बहू लोग को बहुत पीटती थी। तो ये सब वही ओल्ड ट्रेडिशन को ली है। अब जर्मन ग्रेड तो है ही, मतलब महिलाओं के प्रॉब्लम्स को यहाँ पर फोकस करी है, तो अभी इसमें दिया हुआ है तो हम लोगों को पढ़ना है, समझिए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट हु आर इन नॉट कन्विनिस्टिक एंड वांट टू लर्न फ्रॉम वुमेन हु स्टिल लिव विद इन ए फीमेल सोसाइटी ऑफ इन द टेंडेंसी ऑफ दोज वुमेन हु टू विड्रॉ इन टू साइलेंट अपोजिशन when participating in the international fora conducted in languages in which they cannot speak with fluency। और इतना ही नहीं, एक समय की बात थी जो फेमिनिस्ट जो कन्विनिस्टिक होता था उसमें जो है बहुत सारे ऐसे जो अंधविश्वासी लोग हुआ करते थे जो मतलब महिलाओं को काफी वो अप्रिशिएट करते थे, उनको कम आंकते थे, कम समझते थे, उनके लिए और भी ज्यादा तो महिलाओं के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाता था, क्योंकि जब कभी भी फीमेल सोसाइटी की टेंडेंसी को बदलना ही उनके लिए संभव नहीं था। या फिर कभी कभी वो इंटरनेशनल फोरम में भी कहीं जाते थे, जैसे विचार विमर्श मीटिंग सभा में कहीं अगर जाते थे तो वहां भी उन्हें तरह तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। वो डायरेक्टली जो है फ्लुएंसी जो है बात नहीं कर सकती थी, मतलब काफी उन्हें जो हेजिटेशन का भावना उनको रखना पड़ता था। वुमेन ऑफिशियल्स ऑफ द सन्निडीज गवर्नमेंट टोल्ड मी दैट दे हैड गिवेन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस इवन दो द ट्रिप्स वेयर द ट्रिमेंडस ट्रीट। और उनके साथ जो है बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी हम लोग इस बारे में बातचीत किए थे, और फिर मतलब जो महिलाओं की जो ये मेन समस्या थी इस पे हम लोग बताती हैं जर्मन ग्रेड कि हम लोग जो है इस पे काफी चर्चा किए थे और इसको हम लोग आगे मतलब इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने का हम लोग भी कोशिश किए थे। आगे कहती क्या है देखिएगा, दस वी इन द वेस्ट वुड रिगार्ड इट एज ऑस्ट्रेजियस दैट a woman could lose her own name and become known as the mother of her firstborn once she has borne it, although of course most of us do not protest against the sinking of the woman's lineage under her husband's name at marriage। अब देखिए हमारी ये जो भारतीय परंपरा एकदम स्पष्ट आ रहा है, कहता क्या है कि
हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ के जो परम मतलब कुछ समाज में क्या करते हैं कि लोग जो है सबसे पहले तो जो है अगर किसी महिला की अगर किसी अगर महिला की अगर पत्नी ने ये सॉरी किसी की महिला की अगर कोई अगर बेबी ना हो तो पहले तो है कि उसको समाज में एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब उसको परिवार ही एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको समाज क्या एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद वो अपना शादी के बाद ही जो है एक महिला अपना नाम खो देती थी। ये आज भी गांव की परंपरा है, गांव में आज भी ये ट्रेडिशन है, परंपरा है कि आज भी लड़कियों का विवाह होने के बाद जो है वो अपना अपना नाम खो देती हैं, है ना। जहाँ भी उनकी शादी होती है तो मैरिज के बाद जो है उनके हस्बैंड के नेम से उनको बुलाया जाता है, और जैसे फिर उनका अगर फर्स्ट बेबी बॉर्न होता है तो फिर उसी के नाम से जो है उनको बुलाया जाता है। आप लोग के यहाँ भी इस तरह का परंपरा होगा कि आपके घर में अगर अगर आप बड़े होंगे तो आपकी मम्मी को आपके नाम से बुलाया जाता होगा कि फलाने की मम्मी, सोनू की मम्मी, टोनू की मम्मी, रुचि की मम्मी, है ना। तो इस तरह से आपका क्या माँ का क्या होता है, जो वास्तविक जो पहचान होता है, जो वास्तविक उनका नाम होता है वो छिप जाता है। शादी के बाद उनके हस्बैंड के नाम से उनको जाना जाता है, और फिर बच्चे बेबी आने के बाद जो है फर्स्ट बेबी आने के बाद फिर उनको जो है उनके फर्स्ट बेबी के नाम से, मदर्स ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न उनके नाम से उनको बुलाया जाने लगता है, और वो इसी में खुश रहती हैं। माँ जो होती हैं, माताएं जो होती हैं, माताओं का दिल इतना बड़ा होता है कि वो जो है इतना ही में खुश रहती हैं, वो अपने न्यू बेबी बॉर्न के नाम से ही अपने आप को बुलवाना पसंद करती हैं, उनका एक आदत हो जाता है। लेकिन ये लेखिका बताती हैं कि ये जो है सही नहीं है, आखिर वो लेडीज अपना नाम क्यों खोए, है ना। लेकिन ऐसा ट्रेडिशन है हमारे यहाँ, ये गांव की परंपरा है ना। इन मेनी ट्रेडिशन सोसाइटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। और किसी किसी ट्रेडिशन में, किसी किसी परंपरा में जो है, समाज की परंपरा में ऐसा भी है कि जो हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिलेशनशिप है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है माँ और बच्चे का रिलेशनशिप हो जाता है। ये तो वास्तविकता है ना। आप भी देखे होंगे कि आपके जो है मम्मी आपको बहुत ज्यादा मानती होंगी, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, तो आपके मम्मी का जो है स्नेह आपके लिए काफी अधिक होगा। वो अपने बच्चे के लिए जो है पूरे दुनिया से लड़ने को तैयार रहती हैं, तो माता का ये कि बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यही कहते हैं कि यहाँ पर जो फिर से फोकस करता है कि जो उनका जो रिलेशनशिप होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो उनके मदर और जो जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है वो इंफेरियर हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, और जो मदर और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है वो ज्यादा हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इन सम इंडीड द चाइल्ड रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली इज एज इम्पोर्टेंट और इवन मोर इम्पोर्टेंट देन आइदर। अब कहते क्या है कि और साथ ही साथ जो है वो बेबी जो होता है वो पूरे परिवार को भी जो है, माता और परिवार को भी जोड़ता है। अभी बताइए, यानी कि जो माताएं जो होती हैं, जो जो घर में मदर इन लॉज होती हैं, वो काफी सख्त मिजाज होती हैं, वो जो है अपने घर में बहू को जो है वो पसंद नहीं करती हैं, उनको जो है काफी टॉर्चर करती हैं। लेकिन जब वही न्यू बेबी आ जाता है तो न्यू बेबी जो है पूरे परिवार को और माता को, दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ये हालांकि हर जगह की परंपरा नहीं है, फिर जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ते जा रहा है, एजुकेशन के बाद जो है इस तरह की जो है जो बैड कस्टम्स हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, है ना। लोग शिक्षित होते जा रहे हैं और पुरानी कुरीतियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे परंपराएं हैं जो अच्छी भी थी, और कुछ कुछ ऐसे बैड कस्टम्स थे, बैड ट्रेडिशंस थे, जो काफी जो है जो कष्टदायी भी थे, है ना। तो वो धीरे धीरे जो बैड कस्टम्स हैं तो उसको धीरे धीरे फिनिश होना चाहिए, और जो अच्छे जो ट्रेडिशंस हैं उसको जो है आगे आना चाहिए, ठीक है। आगे क्या कहते हैं कि ए नंबर ऑफ सोशल यूजर्स में स्ट्रेस द चाइल्ड रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ हिज किन्स ग्रुप एट द एक्सपेंस ऑफ दैट विद हिज पेरेंट्स। और जो कहते क्या है कि जो जो बच्चे का जो रिलेशनशिप होता है वो चाइल्ड जो उसका जो होता है रिलेशनशिप, किन ग्रुप के साथ भी उनका हो जाता है, मतलब जो बच्चे का रिलेशनशिप होता है वो किन ग्रुप में, मतलब सगे संबंधियों के साथ, किन मतलब होता है सगे संबंधी, और जो सगे संबंधियों का समूह होता है उसमें भी उनका जो है एक नाम पहचान हो जाता है, उनके पेरेंट्स को जो है उनके बच्चों के नाम के थ्रू उनको जाना जाने लगता है। उनके हिज आंट्स एंड अंकल्स में भी परमिटेड ग्रेटर फिजिकल इंटीमेंसी विथ हिम इन ए पब्लिक देन हिज पेरेंट्स। और जो है उनके अंकल आंटी भी उनके मम्मी पापा से अधिक मानने लगते हैं। देखे होंगे आप लोगों के बड़े पापा या बड़ी मम्मी या छोटे पापा छोटी मम्मी आपको ज्यादा मानती होंगी, आपसे उनको ज्यादा लगाव होगा,
तो इस तरह से ये हमारे भारतीय भारत में भी इस तरह की परंपरा है। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन अफ्रीका एंड इंडिया, देखिए इंडिया की बात आ गई और अफ्रीका में भी कुछ ऐसी जगह पे ऐसी बात है, इंडिया में भी कुछ जगह बात है ऐसा, गाँव में अधिकतर देखने को मिलेगा आपको। अभी दिखा ही कि जैसे कि ये तो हमारे यहाँ का हर गाँव का परंपरा है कि जो है न्यू बेबी जन्म लेता है तो उसकी माँ को फिर उसी के नाम से बुलाया जाने लगता है, तो ये परंपरा तो आप सभी लोग जानते हैं। और कुछ जो है बायोलॉजिकल जो उनका फैमिली होता है डिलीवरेट वीकेंड होते हैं, तो वो लोग बड़ा जब फैमिली हो जाता है तो लोग आपस में सेपरेशन कर लेते हैं, मतलब तो अलग अलग हो जाते हैं फैमिली के एक्सटेंडेड होने की वजह से। जब फैमिली बढ़ती है तो वो लोग जो है एक्सटेंड हो जाते हैं, अपना अलग अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद जो है फिर अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं, अपने अपने लिए जीवन यापन करने लगते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो, 10 चिल्ड्रेन आर नॉट बॉर्न एट द विम ऑफ द पेरेंट्स बट रिस्पॉन्स टू ए ब्रॉडर प्रेशर फ्रॉम द होल ग्रुप। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी अगर मतलब फैमिली को एक्सटेंड करने के लिए, फैमिली को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ होता है, मतलब बेबी को जो होता है बॉर्न होना, बेबी बर्थ होना, चाइल्ड बर्थ होना जरूरी होता है, और ये जो है उन पे प्रेशर भी होता है बड़े फैमिली में। और अगर नहीं हो, मतलब अगर फैमिली बड़े हो तो उनको सेपरेट कर दिया जाता है, और अगर फैमिली छोटा हो तो उसको एक्सटेंड किया जाता है। तो ये दोनों जो है एक ट्रेडिशन के थ्रू ही है, एक परंपरा के थ्रू ही है कि जो है फैमिली को आगे बढ़ाना है ना। तो ये जो होता है फिर ब्रॉडर रिप्रेशर विद द होल ग्रुप, और ये पूरे समूह का जो होता है ये ग्रुप हो जाता है। तो ये कहाँ से, ये सर्वे देखा गया है, कहाँ से सर्वे देखा गया है, कैडवेल जेसी द इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऑफ हाई फर्टिलिटी। जब हाई फर्टिलिटी का सर्वे देखा गया तो उसी में इन्होंने देखा कि इस तरह का जो है मतलब फैमिली को जो है फैमिली मेंबरशिप को बढ़ाने का इनके ऊपर जो होता है काफी अधिक प्रेशर होता है। और एंड इन्वेस्टिगेशन इज इलस्ट्रेटेड विथ नाइजेरियन सर्वे डाटा पॉपुलेशन स्टडीज, और ये कहाँ देखा गया है, पॉपुलेशन स्टडीज में।